अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आदाब। आज इलेक्शन कैंपेन गुलबर्गा नॉर्थ में मैडम कनीस फातिमा साहिबा, जो नॉर्थ के एमएलए हैं और सिल्क बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज वार्ड नंबर 13 में इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया है। हमारे यहां से हमारे कैंडिडेट जो राधा कृष्णा साहब नॉमिनेशन 12 तारीख को डाले हैं, उनका कैंपेन आज 17 तारीख से यहां पर नॉर्थ में शुरू हुआ है। आज पदयात्रा यहां पर वार्ड नंबर 13 से पदयात्रा शुरू कर कई एक एरिया में ग्रुप मीटिंग इसके बाद होने जा रही है। हमारे कैंडिडेट जो राधा कृष्णा साहब हैं, वो कोई तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, खड़गे साहब के लिए काम कर रहे हैं, प्रियांक खड़गे के लिए काम कर रहे हैं, शरण प्रकाश पाटिल साहब के लिए काम कर रहे हैं और मैडम कनीस फातिमा साहिबा के लिए भी काम किए हैं। वो जो हमारे जो राधा कृष्णा साहब कैंडिडेट हैं, एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक सिंपल पर्सन हैं और लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से मिलते हैं, लोगों में इतना अच्छा उनका इमेज है। जब भी अगर उनसे मिलने जाते हैं, उनका खुसूसी उनका जो बात है, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर्स उनसे बहुत क्लोज है। उन्होंने जब भी कोई भी अपना काम लेकर जाते हैं तो मिनटों में उनका काम होता है। आज जो लड़ाई है सच और झूठ की है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मोदी सरकार 10 साल हो गया आकर, 10 साल में सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ झूठे बातें करना, और उनके जो होम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं बाद में जो वादे किए हैं उनको पूरा करो, तो ये तो जुमला है। खुद अपने अपने पार्टी के जो होम मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं जुमला है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, आप देखिए पिछले 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई, हम लोग 5 गारंटी का ऐलान किए थे। 5 गारंटी जो लोगों में, आप जाकर आप सर्वे कीजिए लोगों में, अगर मिल रहे नहीं मिल रहे आप पूछिए। ये हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो वादा था वो 1 साल के अंदर पूरा हो गया है। हर आदमी, हर औरत को, घर की बड़ी औरत को 2000 रुपये मिल रहे हैं, बस फ्री है औरतों के लिए, 10 किलो चावल हर औरत को मिल रहा है, जो एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैं उनको पैसे मिल रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो गारंटी अनाउंस किया है, वो सबसे बड़ी गारंटी ये है कि घर की बड़ी औरत को साल को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर हमारी सरकार बनती है तो साल को 1 लाख रुपए घर की बड़ी औरत को दिया जाएगा। एक सरकार क्यों बनती है आप बताइए? गरीबों को हेल्प करने के लिए, गरीबों का काम करने के लिए, गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए बनती है वो। इसलिए हमारे राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये डिसाइड किया है कि साल को 1 लाख रुपए घर की बड़ी औरत को दिया जाए। उसके अलावा दूसरी गारंटी, महात्मा गांधी रूरल गारंटी स्कीम जो थी, जो पहले हमारी जो यूपीए सरकार थी, जब मनरेगा के नाम से थी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर थे उनको 400 रुपये नौकरी, उनको नौकरी रहो, काम रहो मत रहो, उनको 400 रुपये दिया जाता था। इस बार हम लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी अगर जीत कर आती है तो अर्बन एरिया के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हैं उनको भी 400 रुपये दिया जाएगा। सिटी के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हैं उनके लिए भी ये एक गारंटी है। और उसके अलावा जो किसान अपना फसल जो लेकर आकर मंडी में बेचते हैं, बाज वक्त उनका जो उगाते हैं, उगाने का जो रेट है वो भी नहीं मिलता, उनके कम होता है, तो हमारी जो सरकार की जो गारंटी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसको कहा जाता है वो 100% दिया जाएगा। अगर कोई एक टमाटर अगर उगाता है, उसका एक रेट, उसको उगाने में 2 रुपये लगता है तो 3 रुपये उसको दिया जाएगा। तो इसका मैं आपको एक खुलासा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी अगर फार्मर्स अगर करना चाहते हो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दिया जाएगा, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। और 25 लाख रुपए का बीमा हर आदमी को किया जाएगा। अगर हमारी सरकार आती है
तो 25 लाख रुपए का बीमा हर आदमी को दिया जाएगा। उसके साथ जो ग्रेजुएट्स हैं, जो एक साल हो गया है जो ग्रेजुएट कर उनको नौकरी नहीं है, तो उनको साल को उनको भी 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा कई एक 25 ऐसे गारंटी है, फिर एक बार आपको प्रेस में आकर आपको तमाम चीजें बोला जाएगा। ये सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई है। 10 साल में मोदी साहब ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, फार्मर्स को पूरा खर्चा माफ करेंगे। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ हिंदू मुसलमान में आपस में कास्ट में बांटकर आपस में लोगों को हिंदुस्तान में जो जमुना गंगा जमुना तहजीब जो हमेशा से यहाँ पर आती थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमको बनाकर दिया था, सबको इक्वलिटी, सब लोग एक रहने की जो बात की थी, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आज पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है, एक होकर इंडी जो हमारी कांग्रेस के साथ मिलकर जो दूसरे पार्टियां में मिलकर एक जो इंडी गठबंधन बनाए हैं, आप देखिए आप टीवी चैनल्स में, अब बता रहे हैं टीवी चैनल्स में कि इंडी गठबंधन सबसे आगे चल रहा है बोलकर। तो मैं आप तमाम लोगों को आपके चैनल से ये बताना चाहता हूं कि आप तमाम लोग अपना अपना वोट का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। आपके आपके अगर रिश्तेदार हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके कोई दूसरे हैं, तो उनको तमाम लोगों को आप अपील कीजिए, आप 7 तारीख को यहाँ पर आकर अपना वोट का इस्तेमाल 100% कीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो अगर फिर एक बार ये सरकार वापस आएंगी तो ये बोल रहे हैं संविधान को चेंज करेंगे। तो आज हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन हम लोग 100% वोटिंग कर तमाम हमारे दूसरे समाज के लोग भी आज कांग्रेस के साथ हैं, जो कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं, सब लोग बस हो गया। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो झगड़े हैं, इसको बस कर हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने का सोच रहे हैं। तो तमाम लोग एक हो गए। हम तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं आपके व्यूवर से कि आप तमाम लोग जितने भी आपके पास आजू बाजू रहने वाले हैं सबको 100% वोटिंग कराने की कोशिश कीजिए। फिर हम आगे कल से फिर ऐसे ही पद यात्रा हर वार्ड में कर रहे हैं। मैडम कनीस फातिमा साहिबा की नेतृत्व में फराजुल इस्लाम साहब, उसमें नईम खान साहब, हमारे रियाज साहब, और ख़ास तौर से आज वार्ड नंबर 13 के जो अजहर साहब हैं उनके पास ये जो रैली की गई थी, उसमें अहमद साहब, अजमल गोला साहब और हमारे तमाम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, और यहाँ पर जैदी साहब, महबूब साहब, अजीम भाई और तमाम यहाँ के मोहल्ले के तमाम महजिब लोग, और हमारे सदर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो अजहर साहब के वालिद हैं, जो हमेशा अजहर के साथ पार्टी के साथ बैकबोन बनकर हमेशा रहते हैं, वो भी यहाँ पर देखिए आप उनकी उम्र देखिए, वहाँ से कंटिन्यूस चल कर आ रहे हैं। ये जोश है लोगों में आज। तो मैं इतना कहते हुए मैं आज आपकी मेरे को यहाँ बुलाकर बात करने का मौका दिया गया उन तमाम लोगों को, ख़ास तौर से अजहर साहब को, उनके वालिद साहब को, उनके तमाम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।